नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कभी भी आपके बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आप दाएं से न करके बाएं हाथ से करें, या फिर वो खाना खाना हो या किसी को दान देना हो, क्योंकि कहा जाता है कि दाएं हाथ से शुभ होता है। इसके क्या कारण है, बाएं हाथ को अशुभ क्यों माना जाता है, जानिए इस वीडियो के दौरान। पहला कारण तो यह है कि बाईं तरफ हमारा हृदय होता है जिसकी प्रणाली कुछ अजीब होती है। दूसरा कारण, जब हम चलते हैं तो हमारा पहले बायां पैर यानी कि सीधा पैर हम आगे बढ़ाते हैं। सीधा पैर जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारा उल्टा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है, और वैसे ही हम आगे की क्रिया करते हैं जब हम उल्टा पैर आगे रखते हैं तो सीधा पैर और सीधा हाथ पीछे की ओर होते हैं। इसी कारण से भी कहा जाता है कि सीधा पैर सबसे पहले ही उठता है और सबसे पहले ही शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो यह कारण दूसरा भी हो सकता है कि हम सीधे हाथ से ही कार्य करें उल्टे हाथ के मुकाबले। कहते हैं कि उल्टे हाथ की तरफ हमारा हिस्सा कमजोर होता है और जो सीधा हाथ होता है वहाँ पर हिस्सा हमारा ज़्यादा मजबूत होता है। इसीलिए सीधे हाथ की तरफ से यदि हम कार्य करते हैं तो हम उसे संवेदनशील से भी जान सकते हैं और उसे महसूस भी जल्दी करते हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि यदि आप सीधे हाथ की तरफ से काम करते हैं या सीधे हाथ से कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। कोमलता स्त्री का स्वभाव होता है, इसलिए कहा जाता है कि बायां हिस्सा फेमिनिन होता है। लेकिन कुछ आजकल सभी लोगों ने स्त्री और पुरुष को एक समान मानना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिस कारण से स्त्री का एहसास होना भी उन्हें ज़रूरी है। स्त्री की तरह हमारे बाएं हाथ को भी ज़्यादा चौकन्ना और सावधानी बरतनी चाहिए। कहते हैं यदि आप पैसे का या फिर दान का कार्य करते हैं तो आप उसे सीधे हाथ से करें, वरना उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें जब आप संवेदनशील कार्य कर रहे होते हैं। दाएं हाथ को किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। कहते हैं दाएं हाथ से यदि हम कार्य करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता जल्दी ही खत्म हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हम बाएं हाथ को तभी इस्तेमाल करें जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना तो हम सीधे हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। यह कारण है कि हम सीधे हाथ से ही काम करें, उल्टे हाथ से नहीं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।